Subscribe Commerce with MG YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. Hello students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे. Students, आज की वीडियो में हम business studies का chapter number 5 that is organizing को discuss करने जा रहे हैं. इसके previous chapters की वीडियो मैंने पहले से ही upload कर दी हैं. अगर किसी student ने नहीं देखी हैं तो ऊपर I button पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए सीखते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजिंग होता है. देखिए, एक एग्जांपल से मैं शुरू करूंगा और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको बताऊंगा. सपोज करिए कि आपके स्कूल ने प्लान किया है कि वो स्पोर्ट्स डे या फिर कोई भी एनुअल फंक्शन कंडक्ट करने वाला है, जिसके लिए स्कूल्स ने क्या किया, सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ड्यूटीज असाइन कर दी, सब रिसोर्सेज को एक साथ अरेंज किया, एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया जिसको कहा कि सारे लोग इन कोऑर्डिनेटर को पास आएं और बताएं कि क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है. ठीक है ना, तो सारे रिसोर्सेज को अरेंजमेंट करा है, सारे लोगों को एक साथ मिलाया है, तो इसी सारी अरेंजमेंट को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज to establish the most productive relation for the achievement of specific goal of organization. देखिए, organization की specific goal को achieve करने के लिए जब हम organization के सारे physical, financial या human resources को एक साथ मिला लेते हैं, एक साथ ले आते हैं और एक उनमें relation बना देते हैं, इसी को हम organizing कहते हैं. अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मतलब यहाँ पर organizing का मतलब है कि orderly arrangement करना सारी चीज़ों का ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएं, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, यहाँ पर स्कूल में क्या है, एक फंक्शन होने वाला है, तो गोल क्या है, फंक्शन अच्छे से होना. तो उस गोल को हमने अचीव कैसे किया, जितने भी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं हमने सबको अलग अलग ड्यूटी असाइन कर दी. ठीक है ना, सारे रिसोर्सेज को हमने एक साथ मिलाया और सब ने मिलकर काम किया और एक इवेंट जो है वो अच्छे से हो पाया. तो यही तो ऑर्गेनाइजिंग था, तो यही डेफिनेशन में लिखा गया है. आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में. अगर हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करो और वर्क को डिवाइड कर दो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में वर्क को डिवाइड कर दो. हर बंदे को अपना अपना काम दे दीजिए, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा और पर पर्सन में जो बर्डन है वर्क को करने का वो भी रिड्यूस हो जाएगा. तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स सो दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ वन पर्सन. इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने वर्क को डिवाइड कर दिया उसके बाद आप जो सिमिलर जॉब्स है या फिर जो सिमिलर वर्क है उसको एक साथ ग्रुप कर दो. ठीक है ना, वर्क को डिवाइड करने के बाद जो सिमिलर वर्क है उसको क्या कर दो, उसकी ग्रुपिंग कर दो, डिपार्टमेंट बना दो. तो डिपार्टमेंट यहाँ पर हम दो टाइप के डिपार्टमेंट बना सकते हैं, या तो हम फंक्शनल डिपार्टमेंट बना सकते हैं या फिर हम डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं. देखिए, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, जब भी हम वर्क को ग्रुप करते हैं या जॉब्स को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो उसे हम फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कहते हैं. वैसे अगर मैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन की बात करूँ, जब भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं. तो जब हम ऐसे ग्रुपिंग करते हैं तो इसे हम डिविजनल डिपार्टमेंटेशन करते हैं. इन दोनों को हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. अब आप अभी बस इतना ही सीख लिए कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप करते हैं चीज़ों का, और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग यूनिट्स में, फिर उनका डिपार्टमेंटेशन करते हैं. आइए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. देखिए, आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग जॉब को अलग अलग उसमें. ठीक है, अब आप क्या करिए, आप लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के हिसाब से उनको उनकी ड्यूटी दीजिए. ठीक है ना, उनको बताइए कि आपको अब क्या काम करना है. तो आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन असाइनमेंट अ मैचिंग ड्यूटी टू इंडिविजुअल स्किल एंड क्वालिफिकेशन गिविंग देम जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पर्सन को उसकी स्किल के हिसाब से उसको उसकी जॉब आपको दे देनी है, उसको बताना है कि आप आपको क्या काम करना है इसके अंदर. अच्छा, ये भी हो गया. इसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. देखिए, आपने असाइन कर दी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी आपने किसी को दे दी काम करने की, तो उससे क्या हुआ, एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ. ठीक है, एक तरीके से मैनेजरियल हायरार्की यहाँ पर क्रिएट होती है
और जो काम एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देता है, तो सबॉर्डिनेट को वो काम करने के बाद अपने सुपीरियर को बताना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तरीके से एस्टेब्लिश करनी है आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था। आइए फिर से सीखते हैं कि क्या हुआ इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क किया, वर्क को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल यूनिट्स में। उसके बाद हमने डिपार्टमेंटेशन मेंटलाइजेशन किया, जिसमें हमने वर्क को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करा है। ओके, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज देखा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में क्या देखा, जो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन करा था, हमने फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन या डिविजनल डिपार्टमेंटेशन करा था, तो उसमें हमने लोगों को डाला, उनकी स्किल और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनमें हमने लोगों को डाला और उन्हें बताया कि आपको क्या काम करना है। लास्ट में हमने एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना, एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, जिसमें हमने बताया कि कौन किसको ऑर्डर देगा और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब एक तरीके से एक मैनेजरियल हायरार्की हमने यहाँ पर क्रिएट करी। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। आइए स्टूडेंट्स, प्रोसेस के बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या हमें फायदा मिलता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, हर बंदे को अलग अलग काम दिया है, ठीक है, जिससे क्या हुआ है, हमने डिवाइड कर दिया है वर्क को स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में, तो हर बंदा अपने काम को अच्छे से निभाएगा और एक स्पेशलाइजेशन देखने को उसमें मिलेगा। ठीक है, तो यही बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का पॉइंट कहता है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हर एम्प्लॉयज को अलग अलग जॉब दिया गया है और मैनेजर ने क्लेरिफाई किया है कि किसका जॉब क्या है, तो हर पर्सन को पता है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको क्या काम करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर पॉइंट हमारा समझाता है क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिलता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कहता है, देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि जब भी आप काम को बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, तो इससे कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क का, तो ना डुप्लीकेशन होगा ना ओवरलैपिंग होगा वर्क का, तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्स होगा उसका सही से इस्तेमाल हो पाएगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंस जो देखने को मिलता है वो है एडॉप्शन टू चेंज। देखिए, हमने जब ऑर्गेनाइजिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग करके क्या हुआ, सब काम को हमने बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो बांटने से क्या हुआ है, हर डिपार्टमेंट अगर कोई चेंज आता है एनवायरनमेंट में, तो हर डिपार्टमेंट उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो एडॉप्शन ऑफ चेंज का यही हमें बेनिफिट मिलता है कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, तो डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, तो वो इतना ज़्यादा उन्हें पर बर्डन नहीं आएगा कि चेंज होने का, तो अपने हिसाब से वो चेंज यहाँ पर ला सकते हैं। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने हर काम को स्मॉल स्मॉल जॉब्स में बांट रखा है, तो सब लोग क्या है, मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और इससे एक रिलेशन आ रहा है कोऑर्डिनेशन का, और सब अच्छे से काम करेंगे तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। सिक्स हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब है कि क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिला है, डिपार्टमेंटेशन बने हैं, तो कंपनी जो है अपने जितने भी चैलेंजेस हैं उसे अच्छे से मीट कर पाएगी और फ्यूचर में अच्छे से अपने आप को प्लान मैनर से अपने आप को ग्रो कर पाएगी। तो यही है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। लास्ट जो आता है यहाँ पर वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का पॉइंट कहता है कि क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखने को मिल रही है ऑर्गेनाइजिंग में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि हमने जो अपनी पावर है उसको आगे शिफ्ट कर दी है किसी और पर्सन पर। मतलब मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को कहता है काम करने को, क्योंकि यहाँ पर हमने जो अपना काम है वो किसी और पर्सन को दे दिया है, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो अपने रूटीन जॉब में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा, वो देख पाएगा कि क्या क्या न्यू मेथड्स हैं कि हम जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपना जो टाइम है वो इनोवेटिव चीज़ों में ज़्यादा लगाएगा, जिससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो डेलीगेशन करके मैनेजर का खाली वर्कलोड ही कम नहीं होता, मैनेजर अपने आप को फुल पोटेंशियल से काम कर पाता है और एक क्रिएटिव वर्क दिखा पाता है कंपनी के लिए, तो इसी से उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ये वाला पॉइंट हमें समझा रहा था। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग के। आइए आगे देखते हैं। आइए, एक लास्ट टॉपिक जो हम आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ये नेटवर्क है, एक जाल है, किसका? जॉब पोजीशंस का। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बहुत जॉब पोजीशन होती है, कोई मैनेजर होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई लीडर होता है, कोई डायरेक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है, हर जॉब पोजीशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर जॉब पोजीशन में कोई ना कोई अथॉरिटी देखने को मिलती है अलग अलग लेवल पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम करेंगे या फिर कितने सबॉर्डिनेट काम करेंगे, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स हाउ मेनी सबॉर्डिनेट्स आर अंडर वन सुपीरियर। एक मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट या कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक तरीके से शेप देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और बताता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट या फिर वर्कर्स अंडर वन सुपीरियर। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो भी हमने टॉपिक आज कवर किए हैं, हमने डेफिनेशन देखी ऑर्गेनाइजिंग की, हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में सीखा, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस को जाना और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझ लिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ये फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी हम अच्छे से सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल में इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डल चुके हैं, आप जाके वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।